तामिम जी, फैजान चौधरी को आप देख रहे हैं इस वक्त बॉल न्यूज़ के ऑफिस में मौजूद हूँ। उसामा भाई मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं ये ऐड करता चलूँ कि मैं आज जहाँ भी हूँ जो भी हूँ, उसामा भाई वो वाहिद बंदे हैं जिनकी वजह से हूँ, क्योंकि अगर ये मुझे मौका ना देते डिजिटल पे आने का तो शायद मैं आपके सामने भी ना होता। उसामा भाई सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा डिजिटल कैरियर स्टार्ट करने वाले उसामा भाई हैं। तो आते हैं मेन वजह जो है उसामा भाई से वक्त लेने की, वो ये है कि उसामा भाई आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है? यार उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें दुआएं भी करनी चाहिए, दवा भी करनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना। लेकिन एक चीज होता है कि आपको नज़र क्या आ रहा है। नज़र तो ये आ रहा है कि हालात अच्छे नहीं हैं। माशी तौर पर आप देखें महंगाई है और पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। लोगों में नाउमीदी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी की नहीं लहर है। तो आने वाले दिनों में हालात बड़े मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम पर, इस मुल्क पर, इसके रहने वाले पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए। और दुआओं में बड़ी ताकत है, तो मेरा ख्याल है हमें इस वक्त दुआओं की भी ज़रूरत है और वैसे कौम हमें एक कौम बन के दिखाने की ज़रूरत है, वरना हालात बहुत मुश्किल है। इमरान रियाज भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपको क्या लगता है उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है? यकीन गैर कानूनी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है मेरी नज़र में। देखें एक शख्स को सिर्फ इस पर कि वो बोल रहा है, तो आप देखें चले फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। पिछले साल का मुकदमा है जिसमें पहली पता नहीं कितनी दफ़ा फिराया गया, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, और उसकी कोई बेसिस नहीं थी। वो बंदा जो करा मुकदमा दर्ज करा रहा है वो सामने आता है और इमरान रियाज से माफ़ी मांगता है। इमरान कहता है यार छोड़ दो बस, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो। कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं घर बैठा था, मेरे नाम पर मुकदमा कर भी दिया। तो इस तरह के केसेस हुए हैं। तो फिर आप देखें ना, जब वो एयरपोर्ट जा रहे हैं उस वक्त तक वो घर पता कर रहे हैं यार इस दफा मैंने जाना है, कोई फिर दोबारा तो मसला नहीं है रोकने का, कोई नहीं है। वहां जाते हैं तो अचानक पता लगता है आपको रोक रहे हैं। अच्छा उसके बाद रोक के वहां पर बैठे हुए हैं कि यार इनको फड़ना कैसे ही चाहिए, और वो चेक कर रहे हैं अपने बड़ों से, सर जी हमने रोक तो लिया है अब करना क्या है? अच्छा यार ये तो करते हैं, कोई नई दर्ज करनी है जी, नहीं ठहर जाओ मशुरा कर रहे हैं करते हैं, यार जो पुरानी थी उसी में कर दो। अच्छा ये तो हो रहा है, तो ये क्या कानूनी होना है? फिर आप अदालत में लेकर आए उसको, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है कि वो लोग, वो नौजवान जो इस कौम की उम्मीद है, जिनसे लोग उम्मीदें लगाते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनको सुन के लोग अवेयर होते हैं, वो पॉपुलर तरीन है इस वक्त। उससे ज्यादा मुझे आप बता दें कौन सा इस वक्त साफी है जो पॉपुलर है इस वक्त। सबसे अच्छा पैमाना ना, सबसे एक्यूरेट स्टैट्स नहीं, कोई रेटिंग नहीं, डिजिटल मीडिया। उससे ज्यादा आप मुझे बता दें कोई पॉपुलर आदमी है जो पाकिस्तान के कोने कोने में गया, ये सैलाब आया, हर कोने में जाकर उसने अपनी खुद काबिशों से, अल्लाह के फजल करम से उसने लोगों की मदद की, धार बधाई, मोहब्बत ही तो ये किया ना। उसने अपने वालिद को कहा कि अब्बा जी अब ये सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है। और वालिद साहब भी जाहिर है, वालिद भी इमरान रियाज के है ना, उन्हीं की ट्रेनिंग है, उन्होंने भी जनाब सब कुछ था जितना हो सकता किया, घर बना दी, ये कर दिया। तो एक ऐसा शख्स आप उससे जब करेंगे तो वो एक लोगों की उम्मीद होता है, एक इस्तियारा बन जाता है। आप उसके साथ जब करेंगे यार इमरान रियाज के साथ हो रहा है, बोलने पर हो रहा है, यार हम क्या है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ बात करें, कहाँ दिल करें, तो बहुत ही गलत है। अच्छा उसामा भाई एक आखिर में आपसे सवाल भी दूंगा, आप भी ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे, आपका भी चैनल है, इमरान रियाज भाई पे भी यही इल्जाम लगाया जाता है कि वो बायस हैं, हालांकि साफी का काम जो है वो बायस नहीं होता, वो एक सिर्फ पार्टी के फेवर में बात करते हैं, वो किसी और की बात नहीं करते। सेम इल्जाम जो है ना वो आप पे भी, मुझे कहीं पे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि उसामा भाई भी जो उनसे है ना वो सिर्फ पीटीआई की तरफ ही जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई इल्जाम है या इसमें इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए इल्जाम जो लगा रहे हैं उनकी अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे डिजिटल मीडिया पर आप पहले अनबायस्ड आदमी बताएं कौन है, किसको कहेंगे, नाम बताएं, मसलन वीलॉगिंग में किसको आप कहेंगे कि ये हाँ ये दोनों को रगड़ता है, ये दोनों को बिल्कुल, मेरी नजर में अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइड पे जरूर होता है, हो सकता है, लेकिन मेरी भी नजर से नहीं गुजरा, आपकी नजर इत्तेफाक भी हो सकता है, हो सकता है बहुत लोगों, हम डिजिटल मीडिया वीलॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात खत्म हो जाती है एक चीज। दूसरा ये कि आपकी एक होता है बाज एक सोच होती है, वो सही हो सकती है गलत हो सकती है, और एक वक्त में एक तरफ वो चीज मैच कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा गलत किया, ये इनको नहीं असम्बलियाँ तहरीर करनी चाहिए, सपोज मैं यही कह सकता हूँ। अब मसला यह कि दूसरी तरफ से इतना हमला हो रहा है, इमरान रियाज गिरफ्तार हो जाए, शेख रशीद गिरफ्तार हो जाए, समी ग्रैंड पर केस हो जाए, अरशद शरीफ शहीद कर दिया जाए,
मईशत बर्बाद हो रही हो, जो कहते थे इमरान खान नालायक है, इसको हमने निकाला, फलां किया, जिस तरह भी किया, अब मुझे बताओ कि अपने केस खत्म करने आए थे, अब तो इनके हम ही साफी कह रहे हैं कि यार साबित हो गया केस खत्म करने आए थे। अब मुझे आप बताएं कि अब होता यह कि दो मैदान में बंदे उतरे हुए हैं, अब अगर आप कहेंगे ये भी बुरा ये बुरा, आप फिर कह रहे हैं कि दोनों ही जाएं, दोनों ही हैं। अब आप समझते हैं कि यार एक का तो चलो जो मुझे लग रहा है कि यार इसको ये बंदा ठीक नहीं है, इसको तो कुछ इस वक्त मदद की जरूरत, क्योंकि यही उम्मीद नजर आ रही है कि कोई बच सकता है या कुछ हो सकता है, फिर आप किधर जाएंगे, आपको फिर यानी उस मामले में या आपको लग रहा है एक चीज गलत हो रही है, कहीं ना कहीं आपको जानकारी ऐसे होना पड़ जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट ये कि जहां आपको थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है वहां जाना जरूरी है, जहां मुझे लग रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इमरान रियाज साहब जो है वो भी आपको नजर आता है कि नहीं, वो क्योंकि दूसरे तो बंदे उनके प्रोग्राम में आते ही हैं। अब आप चैनल्स का बता सकते हैं कि ये चैनल जो है प्रो इमरान है, ये चैनल जो है इमरान है, यहाँ तो चैनल्स का हाल है, आप हमें इल्जाम दिए जा रहे हैं। तो जी उसामा भाई ने एक तो ये अपने इल्जाम वाली बात उनसे वो क्लियर कर दी है, इसी तरह मजीद लोगों से भी बात करते रहेंगे, फिर मिलेंगे, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।